You saw? Yeah. Yeah, we've just started. When I used to see that, my mom used to see that your serial. I don't remember the Gulam? name. Yeah, right. Yeah. I don't watch serial. I watch cricket. That's okay. My mom used to see. So from then onwards, I was following you. Achha. So when for the first time I saw You are Ajay, na? No, he is Vishal Ajay. You are Ambani. Vishal Ambani. Yeah. Oh. Ready, please shoot. So big congratulations, Sasurwal Genda Phool. तो क्या कहना चाहोगे ससुराल गेंदा फूल के लिए? ससुराल गेंदा फूल 2 10 साल बाद आया है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है एक्टर्स को भी, वो टीम को, एंड ऐसा बहुत कम देखने में सुनने में आता है कि 10 साल बाद सीज़न 2 की डिमांड, मतलब इतने सालों तक रहती है सीज़न 2 आता है. सो आई जस्ट वॉन्ट से दैट बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, और इसमें हर एक टेक्नीशियन जो 10 साल पहले था, आज भी पूरी टीम एक एक इंसान वापस लेकर आए हैं. तो इट्स ब्यूटिफुल. ये तो मतलब कुछ वहाँ से ऊपर वाले ने किया हुआ है, तार कुछ छेड़े, बिकॉज सब लोगों का एक साथ आना ऐसे बहुत मुश्किल होता है. एंड पीपल मूव ऑन विद डिफरेंट थिंग्स, पीपल गो इन वेरियस ग्राफ्स इन लाइफ. कुछ लोग बहुत अलग उसमें निकल जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हम सब साथ में जुड़े हुए हैं. इतने सालों से शो के बाद भी हम मिलते रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वी आर डूइंग समथिंग न्यू ऑन द सेट्स. सो इट्स जस्ट लाइक हम लोग मिलते थे शो के बाद भी, पॉटलक पार्टीज़ में, डिनर्स में, दिवाली पार्टीज़ में. अब हम मिलते हैं रीडिंग के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए, रिहर्सल्स के लिए. सो इट्स वंडरफुल. ओके, सो कब आपको पता चला कि आपको ये किरदार मिलने वाला है ससुराल गेंदा फूल के बारे में? बहुत फटाफट हुआ. आई थिंक कास्टिंग ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी थी, एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे फ़ोन आया, एंड 2 दिन के अंदर सब डिसाइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए. एंड मुझे बिलीव ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा था. सुना तो था कि ससुराल गेंदा फूल 2 इन प्रोसेस है, कास्टिंग हो रही है, बट देन आई वाज लाइक ओके, पता नहीं क्या है स्टोरी, कैसे ये लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे, कितने लोग उसमें रिटेन करेंगे, आई हैड नो आइडिया. मुझे लगा शायद फ्रेश लोगों के साथ सीजन बनाएंगे. तो मैंने अपनी होप्स ना बांधते हुए जब वो फ़ोन आया, तो इट वॉज़ अ बिग ह्यूज सरप्राइज, एंड आई हैव Only been grateful to God. सिर्फ शुक्राना किया है. So contract sign किया, dress rehearsals हुए, and पट 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 मुहूर्त में पहुंच गई मैं, पूजा मुहूर्त में. So that's okay. So कुछ ही समय हुआ, कुछ ही घंटे हुआ आपने announce किया ससुराल गेंदा फूल के 2 के बारे में. So आपका रोल क्या है उसमें? फैंस काफी जानना चाहते हैं कि आपका रोल क्या है, कि 10 साल पहले आया था, तो आपका रोल क्या होगा उसमें? स्टोरी 10 साल बाद आ रही है, तो जाहिर सी बात है हमें किरदारों में भी ग्रोथ दिखानी है, उनके जो काम कर रहे थे उसमें भी ग्रोथ दिखानी है. तो सीज़न 1 में मैं टीचर थी, टीचर दिशा, एंड अब क्योंकि इतने साल बीत गए हैं, तो नेचुरली एक ग्रोथ दिखाते हुए मुझे अब प्रिंसिपल बना दिया गया है. हालांकि मुझे अभी तक हम लोगों ने वो कहाँ कैसे इनकॉर्पोरेट होगा वो अभी दर्शकों को नहीं बता सकती, लेकिन जी हाँ, मैं टीचर थी, अब मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ, और भी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ. और फैमिली का सेटअप तो वही है, स्वीट सी फैमिली है, एनर्जेटिक है, फन लविंग है, जैसे होती हैं स्वीट स्वीट फैमिलीज. ओके, सो ये स्टार भारत में आने वाला है, तो हाउ वुड यू लाइक टू थैंक स्टार भारत फॉर? आई वुड रियली लाइक टू थैंक स्टार भारत कि ऐसा कॉन्टेंट बेस्ड शो इसमें बिलीव करने के लिए, इसे वापस लेकर आने के लिए, क्योंकि ये बहुत सालों से होना चाहिए था. इसका मतलब बहुत अब्रप्ट एंडिंग थी, सीज़न 1 बहुत जल्दी गया. मुझे याद है हम लोग इतना जुड़ गए थे अपने किरदारों से, हमारी एक्सटेंडेड ससुराल गेंदा फूल फैमिली से इतने जुड़े हुए थे हैं, तब एकदम से अब्रप्ट एंडिंग अच्छा नहीं लगा था. इट डिडंट गो डाउन वेरी वेल, एज इन इट टुक टाइम, उसे उभरने के लिए वक्त लगा. लेकिन आई एम हैप्पी कि इतने साल बाद ही सही, नेवरदलेस स्टार भारत आप लोगों ने बिलीव किया कि कंटेंट बाप था और बाप है और रहेगा, एंड यू हैव गॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट. फ्लेवर ऑफ द शो इज़ वेरी डिफरेंट, और जिस तरीके से ये जो कंटेंट हम दर्शकों के सामने लेकर आएंगे, ये आज की डिमांड है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. ओके, सो कोई भी नई मूवी या फिर नया शो आता है, तो उसके प्रमोशन के लिए सब लोग बिग बॉस 15 के घर जाते हैं. सो वुड यू लाइक टू गो इनसाइड बिग बॉस 15 के घर और प्रमोट योर अपकमिंग शो?
I wouldn't know. I think that's the decision of the producers, the channel, and they decide because, yes, Big Boss is a very widely watched, a very, very popular favorite of the audience. And कोई भी शो या कोई भी उसको एकदम इंस्टेंट पॉपुलैरिटी चाहिए या फिर एकदम से दर्शकों को रिमाइंडर देना है तो दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड क्यों नहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो आई वुड लव टू ओके सो बिग बॉस 15 की बात करो तो योर टू गुड फ्रेंड जय भानुशाली एंड करण कुंद्रा इज इनसाइड द हाउस ओके सो व्हाट वुड यू से क्या किस तरह से वो गेम खेल रहे हैं क्या वो ऐसे ही है बाहर के कुछ अलग गेम खेल रहे अलग आई फील आप मैं देखिए जय को जानती हूँ करण को मैं इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ करण ये जय इज़ अ वेरी नाइस स्वीट जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन गेम के अंदर रहना आप हमेशा एक तरीके से नहीं रह सकते क्योंकि अगर आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपने अलग जोन में अलग सिचुएशन में अलग कलर नहीं दिखा रहे हो तो आई थिंक इट गेट्स बोरिंग तो इफ़ यू आर इन दैट हाउस यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली प्लेइंग एंड मुझे नहीं लगता कि हमें इतना सोचना चाहिए या इतना जज करना चाहिए कि वो आम जिंदगी में कैसे हैं आई थिंक दे बोथ आर शाइनिंग देयर और अच्छा कर रहे हैं सो इट्स गुड टू सी दैट दे आर डूइंग गुड सो आप काफी ज्यादा जानते हैं बिग बॉस के बारे में तो एज अ कंटेस्टेंट आपको अगर मौका मिला 15 हो गया या 16 हो गया या आने वाले कोई भी सीजन में तो क्या आप जाते हो मुझे हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आई फील फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ बैठ कर वहाँ की टिप्पणी करना बहुत आसान है एंड जब बहुत सारे कैमरे होते हैं तो हम अक्सर अब तो खैर लोगों को फॉर्मेट पता चल गया है तो पूरा देख PhD करके जाते हैं वहाँ पे लोग लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता होगा इतने सारे कैमरे हैं और आप किसी से बात कर रहे हो कुछ रिएक्ट कर रहे हो और कैमरा लिटरली आपके फेस की तरह आप देख सकते हो कि कोई देख रहा है कॉन्स्टेंटली मैं यहाँ बैठ के तो फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं बता सकती कि कैसे क्या होगा जब मुझे मैं अंदर जाऊँगी लेकिन अगर कुछ ऐसा लाइफ में ऑफर होगा तो आई विल वेलकम इट विद ओपन आर्म्स क्योंकि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है और अगर ये भी आएगा तो एक तरीके से ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव लेकर आएगा मेरी लाइफ में सो यस कौन सी मूवी एज इन लाइक फन लविंग रोमांटिक हॉरर कॉमिक्स देयर आर फ्यू डिफरेंट एरिया ऐसा नहीं होता आई एम एन एक्टर एंड यू नो आई फील दैट आई वुड वांट टू पेंट द कैनवस ऑफ वेरियस कलर्स यू नो बिकॉज दैट इज वेयर मुझे वो फुलफिलिंग लगेगा यू नो एज एन एक्टर आई विल फील हैप्पी और सैटिस्फाइड व्हेन आई लीव माय एसेंस इन द मेकअप रूम and become somebody else, you know, on set when the cameras are rolling. तो जब मैं वो लेकर आऊँगी अपनी जनता के लिए शायद मैं तब शायद एक सक्सेसफुल एक्टर कहलाऊँगी अगर मैं वही प्ले करती रहूँ जो मैं असल ज़िंदगी में हूँ तो शायद मैं टेबल पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले पा रही हूँ लेकर आ पा रही हूँ आई फील कि अगर कोई फिल्म हो कोई प्रोजेक्ट हो उसकी कहानी अच्छी हो और दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए ऐसा मन को लगता हो तो चाहे वो रोमांस हो हॉरर हो एन एक्टर वांट्स हिज हैंड्स फुल और मैं भी थोड़ी लालची हूँ तो मैं तो हर तरीके की फिल्म करना चाहती हूँ एक ही फिल्म की है अभी तक मैंने और बहुत कुछ है जो मेरा छूट गया है करना बाकी है छूट नहीं गया है अभी तक तो मैं हूँ इंडस्ट्री में तो आई एम जस्ट वॉन्टिंग टू डू प्ले सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स देयर आर येट टू कम ओके सो रिसेंटली आपने एक फोटो डाला था ट्रेडिशनल लुक में साड़ी में तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था एंड योर फैंस वांट टू सी यू मोर इन ट्रेडिशनल ओहो सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट मुझे पहली बार पता चला था कि मुझे फैंस इतने ज्यादा ट्रेडिशनल में पसंद करते हैं एंड मैं हमेशा से ये चाहती थी कि यू नो कि मैं हर तरीके का अटायर कैरी करूं और एक्सपेरिमेंट करूं लेकिन जहाँ पे बात आती है ट्रेडिशनल की इतना एफर्टलेसली होता है सब कुछ मतलब मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती वहाँ पे मुझे बेशुमार प्यार मिलता है फैंस का सो गुलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ जब उन्होंने मुझे पहली बार उस अटायर में देखा था और पूरा का पूरा श्रेय मैं देती हूँ मेरे राइटर्स एंड सौरभ तिवारी जी को क्योंकि उन्होंने ये पूरा इमेजिन किया था कि कैसा मेरा लुक होगा सो उसके बाद तो आई थिंक बाढ़ सी आ गई अब मैं जब भी एक
सिंपल ट्रेडिशनल कुछ भी डाल देती हूँ ना तो बहुत खुश हो जाते हैं फैंस, और मैं उनको निराश नहीं करूँगी। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ मेरे ट्रेडिशनल अवतार्स उन तक पहुँचाने के लिए, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी बाय द वे इन इंडियन वे। देखिए ससुराल गेंदा फूल जैसा कि मैंने कहा बहुत कॉन्टेंट बेस्ड है, बहुत रियल है। आम जिंदगी में आप उस तरह की साड़ियाँ नहीं पहनते हैं, स्पेशली मुझे अगर प्रिंसिपल दिखाया है तो ऐसी तो बात है नहीं कि प्रिंसिपल्स एक पर्टिकुलर अटायर में रहती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरा पावर, थोड़ा सा पावर ड्रेसिंग दी है। पहले बहुत होमली टीचर थी मैं, तो बहुत होमली साड़ीज थी मेरी, अब थोड़ा सा उसे चेंज करते हुए 10 साल बीत गए, हल्का सा पावर ड्रेसिंग दी है जिसमें मेरे लंबे जैकेट्स होंगे, लेकिन है ट्रेडिशनल इंडियन सलवार कमीज जो कि बहुत बिलीवेबल है ना। मैक्सिमम ओवर ऑन ओवर द टॉप ज्वेलरी है, जैसा कि छोटे छोटे टॉप्स पहन ली, रियल लाइफ में तो मैं वो भी नहीं पहनती, एक रिंग पहनती हूँ बस। दिशा का किरदार या ससुराल गेंदापुर में कोई और किरदार उठा लीजिए, वो आपके घर में ही एक किरदार मिलेगा, मतलब आपकी दादी भी वही साड़ी वैसा कुछ पहनती होंगी, या माँ आपकी, या फिर पिताजी, या फिर दादाजी उस अटायर में घूमते दिखाई देंगे। बहुत बिलीवेबल है एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द शो। सो या आई जस्ट वॉन्ट से कि पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर यू नो, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे फैंस तक पहुँचाने, मेरे मैसेजेस पहुँचाने के लिए शुक्रिया। एंड आई जस्ट वॉन्ट से कि ये नए शो के साथ ससुराल गेंदा फूल 2 का जो मैं ये सफ़र तय करने जा रही हूँ, ये आपके बिना तय नहीं कर पाऊँगी। सीज़न 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सीज़न 2 को कृपया 1 से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये हम बिल्कुल भी 1 बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सीज़न 2 में हम नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें आगे मोड पर क्या क्या चीज़ें होती हैं किरदारों के साथ, वो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम पे प्यार लौटाते रहिए। आपकी ज़रूरत है क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके फोटोशूट के बाद वैसे फोटोशूट एवरीथिंग लुक्स नाइस ऑन यू। वैसे फोटोशूट्स में पहनती हूँ, तो फोटोशूट्स में पहनती हूँ। आई लाइक योर लुक डूड। ये पार्टी में जा रहा है। व्हाई लाइक हिप हॉप? ओनली थिंग यू मिसिंग इज द कैप। फेजो की पार्टी में जा रहा है। इसके फेजो यो मैन, ही इज ओनली सिल्वर शूज भी पहन सकता था। ही इज ओनली 22। देखो ना एंट्री देंगे ना क्या? कुछ कुछ उड़ाना मत, एंट्री ही देंगे। देखो पार्टी छोटू लगेगा ना तू, इसलिए बोल रही हूँ पूछ मत निकालना। दिया है व्यापारी चले हैं परदेश, सूरत आने हारो बस हो गया मस्त। बैक टू फ्रेंड्स शो हो गया। हाँ चल एक मिनट रह जाओ। थोड़ा लाइट में आए नहीं है लाइट ना ना इतनी अच्छा नहीं तो बहुत और लाइट हो जाएंगे। इट्स लाइक किरा तो होगा
something ka are what are we supposed to ball dance here or something like that we meeting after Abhi's birthday you can talk a bit about since the white day going to meet the general white day your connection right why would that I don't care so ha what do you say the old connect we work together in a show no Yeah, एक क्वेश्चन पूछ लो यशवी एक जॉइंट बाइट हो जाएगा हाँ, आई रिमेम्बर